अलग बनाएंगे। आज हम लोग डायमंड केक पकड़े बनाएंगे। दिवाली पे अक्सर हमारे घर पर हम लोग बाहर से लाकर ही लगा देते हैं, पर इस बार आप दिवाली पे कुछ अलग ट्राई करना अपने हाथों से पगला बनाना। पगला बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड पे पगला की साइज काट कर उससे ड्रॉ कर लिया है। आपको जो भी साइज चाहिए आप उससे ड्रॉ कर लो। उसके अंदर अब मैं कलर करना शुरू करूंगी। कलर करने के लिए मैंने आउटलाइन पे कलर करके बाद में उसके अंदर कलर करना शुरू किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप रेड कलर से ही करें, रेड कलर ही बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। आप कोई और कलर करेंगे वो सुंदर नहीं लगेगा। इसके बाद में मैं बाहर की तरफ ग्लू लगा के उसके ऊपर डायमंड चिपका रही हूँ। ज्यादा ग्लू ना लगाए क्योंकि वो सूख जाएगा। ग्लू बार बार ग्लू लगा के ही डायमंड लगाए। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डायमंड इसलिए लिया है क्योंकि मैच कर रहा है। आप यहाँ पे दूसरा कलर का भी डायमंड ले सकते हैं। हम लोग इस पगला की दोनों तरफ बाउंड्री पे कई ब्लू कलर का डायमंड लगा देंगे। मेरा यहाँ पे दोनों डायमंड लग चुके हैं। अब मैं इसके बाहर नीचे की तरफ मोटा वाला जो मिरर आता है वो लगाऊंगी दोनों के अंदर, और ऊपर की साइड में छोटा वाला डायमंड लगाऊंगी और बीच में भी मैं छोटा वाला लगाऊंगी। साइड दोनों साइड के अंदर छोटा वाला मिरर लगा के उसके साइड के अंदर मैं ब्लू कलर से डायमंड लगाना शुरू करूंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये बून वाले भी लगाएंगे अपन बाद में, और उससे पहले हम लोग ये ब्लू वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लू वाला कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ बाउंड्री लगाएंगे। आप इधर और भी दूसरे कलर के लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास बून वाले शेप की गोल्डन कलर है इसलिए मैंने पहले ब्लू कलर दिया है। अब हम गोल्डन कलर से लगाएंगे दोनों के अंदर। उसके बाद में हम लोग उनकी अंगूठियां बनाएंगे। सबसे पहले अंगूठा बनाएंगे, बीच में मिरर रख के उसके चारों तरफ ब्लू कलर का डायमंड लगाएंगे। दोनों अंगुलियों में डायमंड अंगुलियां बना के कंप्लीट करके हम लोग बीच में एक मिरर लगाएंगे और उसके चारों तरफ गोल्डन कलर के डायमंड्स लगाएंगे। दोनों के अंदर गोल्डन कलर के डायमंड्स हम लोग लगाएंगे। अगर आप चाहे तो नहीं लगाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।